नंबर चार, कभी ऐसा होता है कि बीमारी टर्मिनल होती है। कैंसर है, पता चला पेट में दर्द होता था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, टेस्ट किए वाकई पॉजिटिव निकले और कहा कि इलाज भी नहीं हो सकता। क्यों? अभी एकदम थर्ड स्टेज में है। अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी एकदम आखिरी मरहले में मालूम पड़ती है, पता अब कुछ मत करो, इनको छेड़ो मत, इनको खुश रखो, खिलाओ पिलाओ, पेन किलर्स दो, दवाइयाँ दो, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे वक्त में आदमी क्या करे? ऐसा आदमी तो उम्मीद भी नहीं इलाज की। ऐसे वक्त में वो मौत को याद करे, क्योंकि मौत उसके लिए नजात है। आप मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर बोले बेफिक्र रहो तुमको मौत नहीं है, वो क्या दुआ करेगा अल्लाह से? अल्लाह उसको नजात दे दे इससे। मौत का मिलना भी एक नेमत है, मौत का मिलना भी एक नेमत है। एक पेशेंट है, उसको तकलीफ है, लेकिन उस वक्त जब वो सोचता है कब तक, मौत तक बर्दाश्त कर लूं, मौत के बाद नजात है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आराम है, मैंने इस पर अगर सब्र कर लिया, अल्लाह से शिकायत नहीं की, अल्लाह की शिकायत नहीं की, अल्लाह से तो शिकायत कर सकते हैं दुनिया की, लेकिन अल्लाह की शिकायत दुनिया से नहीं कर सकते। अगर मैं अल्लाह से राजी रहा, सब्र कर लिया और अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा मैंने इस तकलीफ में, बीमारी में, दुनिया तो खत्म वैसे भी होने वाली है, मौत तो वैसे भी आने वाली है, सेहतमंद भी मर रहे हैं, बीमार भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सब्र करता रहा, एक न एक दिन जिंदगी खत्म होने वाली, फिर बस खत्म, तब तक उससे आगे नहीं है। जन्नत में भी कैंसर है, होगा ऐसा नहीं, आखिरत में नहीं रहेगा, ये मौत तक है। जैसी दुनिया खत्म, कैंसर गायब, सब खत्म, सारी बीमारियां खत्म। तो एक इंसान के लिए मौत उम्मीद बन जाती है, कब तक? मौत तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अकफिरु ज़िक्र हादिम लद्दात, लज्जतों को ढाने वाली मौत, इसको कसरत से याद करो। हमारे तो मौत का तस्करा घर में, कि तो मरे तुम्हारे दुश्मन, मौत को याद करो। मौत को नहीं याद करने की वजह से सारी सरकशी जिंदगी में आती है। कहा लज्जतों को ढाने वाली मौत को खूब याद करो। फमा ज़करहु अब्दुन क़त वह हुआ फी ज़िक़िन इल्ला वसअहु अलैह, जो भी बंदा तंगी में, परेशानी में मौत को याद करता है, अल्लाह उसके लिए कुशादगी पैदा कर देता है। वला ज़करहु वह हुआ फी सअतिन इल्ला ज़य्यक़हु अलैह, और जो भी इंसान वसअत में याद करता है, अच्छे हालात में मौत को याद करता है, अल्लाह जिंदगी को उसके लिए तंग कर देता है। एक आदमी अय्याशी में जी रहा है, मौत जब याद आती तो रीसेट हो जाता है। अल्लाह के बंदे तैयारी कर, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, सीधा हो जा, सुधर जा। मौत याद आती है, सारी मिठाई कड़वी हो जाती है। लेकिन एक आदमी कड़वी कड़वी दवाएं खा रहा है, लेकिन उसको याद है कब तक, थोड़े दिन है, बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आखिरत है, सब्र करके गए, दीन पे गए, ईमान पे गए, फिर जन्नत ही जन्नत है, और फिर मीठे मीठे फल हैं, ये सब दवाएं खत्म, उसके लिए आसान हो जाता है। मौत की याद ऐसे हालात में इंसान के लिए आसानी पैदा कर देती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसको रिवायत किया है।